सबको एक नमस्ते। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। हुनरबाज ई एगो नवा कार्यक्रम बाती जेमे व्यक्ति के भीतर जो हुनर बाते ओकरा विकसित करे के ओकरा प्रदर्शित करे के हुनरबाज कार्यक्रम ई एगो प्लेटफॉर्म देवता एगो मंच देवता। और ई बखत हमनी नथदाम में है जा मॉरिशस के उत्तर प्रांत में स्थित एगो बहुत ही खूबसूरत गांव बाते जेकर नाम है नथदाम। और नथदाम में एगो हुनरबाज बाते जेकर नाम है संजीता दाऊ। आज ओकर संगे बतियाब सा ओकर काम देखब जा आर कैसे उ कोयला के संगे बहुत कलात्मक ढंग से अपन काम करेला। तो चला देखा जा, लेट्स गो। जी बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम भोजपुरी चैनल में अभी के संगे ई एगो नवा कार्यक्रम में जैसे कि बोलनी कि हमने ई बखत नथदाम में है सा तो ई बखत जैसे कि बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र देखत हुआ जा हमने ई बखत संजीदा दाऊ के घरे में है सा ओकर संगे आज हमने बतियाब सा और ओकर भीतर के जिन कला बातें जिन हुनर बातें आज देखे के पहचाने के और अनुभव करे के मौका मिली। तो देखा जा एगो नवा कार्यक्रम हुनरबाज। जी बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम देखत हो जा अभी के संगे। सबसे पहले हमने के ई बताओ कि संजीता दाऊ के हा। संजीता दाऊ एगो कलाकार है, चित्रकार है, एगो ऑचिस बोले के चाहिला और वो नोटरडाम में रहेला। वो अपन पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और एमजीआई में करेला। तो हम अपन पढ़ाई बीए फाइन आर्ट्स में करत हैं। तो हम अपन स्पेशलाइजेशन प्रिंट मेकिंग में करत हैं। संजीता दाऊ हमने के बताओ कि ये प्रिंट मेकिंग का है, तनी सा विस्तार में सक बजा हमने के इस पर ये विषय पर प्रकाश डाले। प्रिंट मेकिंग एगो कार्तिक कला है जिनमें दो गो चिप प्रकार की कला है, एगो ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग। ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग एगो ऐसा प्रिंट मेकिंग है जिनमें कागज के इस्तेमाल करी लासे और नॉन ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग एगो कार्तिक कला है जिनमें दोनों सरफेस मिली उनमें प्रिंट करे लाते। संजीता हमने के बतावा कि मॉरिशस में प्रिंट मेकिंग पॉपुलर बात है, ओकर प्रचलन ढेर बात है मॉरिशस में। प्रिंट मेकिंग पॉपुलर बात है में सिलमा उन लोग के चिप प्रिंट मेकिंग दूसर है, कागज में करे रहा और लुगा में और डिफरेंट माचिया में करते हैं सर। मैं सिलमा हर प्रकार प्रिंट मेकिंग जैसे हम करेला वो केवल एमजीआई में सिखावेला थे सर और वहाँ से सीख के हमने डिस्प्ले करब सर, हमने कुंज करब सर कि एडवर्टाइजिंग करब सर कि अपन के चित्रकार और कला में आगे बढ़ब सर। तो हमने के ये बताओ संजीता कि प्रिंट मेकिंग के कितना समय लगेला और काहे उतना समय लगेला। प्रिंट मेकिंग करे के बहुत समय लगेला, बहुत पैशंस लगेला। उमें ओकर प्रिंट बनावे के ओकर प्लेट ही एगो स्क्रिप्चर की तरह बा। स्क्रिप्चर बोलत है कि ओकर प्लेट में मैच या ओकर टेक्सचर उमें लौंग डाल के वाइप करे के उमें कागज डाल के ओकरा निकाले के देखे के ओकर एक्सपेरिमेंट कुछ देले बा। तो बीचो बीच ओकरा निकाल के देखे के चाहिए। हाँ, बीचो बीच एगो गिड मिलेला कि कहाँ जात हवन सर अपन एक्सपेरिमेंट में, कहाँ जात बा अच्छा बा कि नहीं बा उ देखेलन सर। तो कुल मिला के कितना समय लगेला है सब करे के। देपा कुछ करत हवन जा एगो बड़ा काम करत हवन सर तो बहुत समय लगेला और एगो छोटा काम करबा तो मैक्सिमम एगो दिन या दूगो दिन
24 48 ans dhar le ho jaye ha o plate we hi jan bolat hai o print kare ke humne chemise mein ya tissu mein nahi kare tha insa na ta papier mein o jasti jali lagela o jasti niman banela ta o hi khatin samay lagela aur patience संजीता एकर अलावा हमने के ई बतावे कि कौन प्रकार के ड्राइंग करेला माने कि ड्राइंग के प्रति इतना लेतेरे काहे बाते तो हम अपन ड्राइंग पेंसिल ड्राइंग जैसे हर स्टूडेंट जानेला और शॉबों हम शॉबों के इस्तेमाल कोयला बाते हाँ कोयला संगे काम करत है वो कोयला एगो फासिल ताफे काम करे के उ चित्र बनावे के बहुत फासिल है अब हमने के ई बतावे कि जब आप कोयला के ड्राइंग करत हवा त खाली कोयला वे के ड्राइंग करत हवा कि ई में दो तीन चीज आर ओकरा जोड़ के उ में शामिल करके आप बनावत हवा है ड्राइंग वा नहीं कोयला प्योर कोयला के संगे खाली कोयले वे से हां ओकर लाइट शेडिंग सब कोयला वे से करेला दहाई जुन काम बाते उ अपन उंगली के इस्तेमाल करेला या फिर कोयला कैसे कैसे होयला अपन हाथ संगे उंगली संगे टिश्यू संगे बफवा हाउ ब्रश संगे पेंसिल संगे करे थे ड्राइंग करे बखत कितना प्रकार के पदार्थ था कौन चीज इस्तेमाल करेला हमने के बतावा था ड्राइंग वो क्रेयों संगे करत है ऐसा या शॉबू संगे उमें लालिमियर होए के चाहिला और परछाई होए के चाहिला परछाई भी परछाई होए के चाहिला वो संगे हो वॉल्यूम लगेला एगो जैसे एगो मुंह बनावा था ऐसा उमें डिफरेंट काटे शैडो शेड होएला वो संगे करत है ऐसा अब संजीता हमने के ये बतावा कि जब आप हाई सब प्रिंट मेकिंग करत हवा या फिर ड्राइंग करत हवा हाई सब करे के पाछे आपके प्रेरणा कहाँ से मिलेला इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेला आपकी वो एगो बड़ा चीज नहीं होए के चाहिला वो छोटा छोटा चीज होए के चाहिला जैसे अपन माँ के संगे बैठे थे सर कि एगो आदमी बोल दिले बा कि हाँ तोर बेटी ऐसा काम करता कि अच्छा चित्र बनावता हाउ छोटा छोटा कॉम्प्लीमेंट्स जो बोला था ऐसा वही एगो एस्पिरेशन हा जो अपन घर वाले के संगे ही मिलता मतलब एगो मोटिवेशन भी मिल जाए इट्स अ मोटिवेशन के संगे इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी Thank you.
हाँ बिल्कुल, देखा तो वजह हुनरबाज कार्यक्रम अभी के संगे भोजपुरी चैनल पर ई एगो नवा कार्यक्रम है। जी हाँ, हमनी ई बखत नोथदाम में है सा, और जैसे कि जानत हो वजह कि हमनी के जो मुख्य मेहमान बाते जकर नाम है संजीता दाहू, ओकर नानी हमनी के संगे बाते, ओकर संगे हमनी बाते आप सब। तो सबसे पहले नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा। नानी हमने के बतावा कि संजीता जे घरे में वो अनमोल के नाम से जाने ला, कौन तरह के लड़का बाते? कौन तरह के लड़का बा, लेकोल से आवेला तो घरे अपन चा पानी कर लग, निमन से बतियाई रही तो हर देवा बा करे के पढ़े के बा का बा ये सब करेला, का घटल बा का बढ़ल बा तोहर पढ़ाई लिखाई में हाजिर है सब मामू सब तैयार करेला। अब एक अलावा कौन चीज बोलबा, निमन लैका बा तब ना रह गल, भगवान करे आगे आरिबे हो आशा कर ले हैं सब, आज सब कोई के आशा बा जब एगो लैका पढ़ता तो आगे बढ़ी है, ये आतान करब से ना। हाँ, एक कौन चीज खोज से हमने। जी हाँ बिल्कुल, नानी के बाद अब नाना आल गल बाते है जा निमन से बैठ गल बाते। अब उ संजीता के बारे में तनी सन अपन विचार प्रकट करिया। सबसे पहले नमस्ते नाना। नमस्ते। नमस्ते नाना। हमने के बतावा कि आपके जो छोटका जो लड़का बाते जो नातिन बाते वो कौन कलित के छोकरी बा? अच्छा से जियेला, अपन रहेला, अपन लिकोल जाला, और हमनी के छोटा लड़का नहीं रह बा भी ओके छोटा से पूछ ले तो हमरा बोले के बा अच्छा बा भगवान करी ओके वो छोटा काम मिली निमन से रही अपन घर। हमने के ये बतावा कि जब रातों रात आप अपन चित्र कला करत हुआ तो कबो कबो नींद आवेला, कबो कबो अब आप आँख लग जाला, तो ऐसन बेरा में कौन ची करेला, हाउचा इंस्पिरेशन कहाँ मिलेला काम करे के? वो मोमेंट में इंस्पिरेशन तब मिलेला जब डेडलाइन हुएला कि हाउ सीमा में काम हो जाने के चाहेला, और हाँ कबो कबो नींद आवेला पर वो सोच कि डेडलाइन बाती, हाँ कि डेडलाइन बाती कि सबमिट करे के बाते, और अपन खातिन करत हैं सर जो करत हैं सर। और कलाकार एगो व्यक्ति है कि वो सब कुछ अपन अपन के लिए करता, अपन एक्सपेरिमेंट के लिए करता, अपन जर्नी के लिए करता, तो वही हमर मोटिवेशन एस्पिरेशन और गिद है जीवन में। कला करे के, प्रिंट मेकिंग करे के, है सब कोयला से है सब ड्राइंग करे के ढेर पाशंस चाहेला, धीरज चाहेला, जेकरा हमनी भोजपुरी में सबूरी बोलीला सा, तो है सबूरी वा कहाँ से मिलेला तोहरा? कला करे के बहुत सबूरी चाहेला, पाशंस चाहेला, मोटिवेशन चाहेला, दिन रात है सब नहीं दिखल जाला, और जो भी फाज हल जीवन में इग्नोर करे के चाहेला। हमने के ये बतावा कि जब कोविड 19 महामारी जब प्रतिबंधन लॉकडाउन हो रहा तो एगो कलाकार के जीवन के समय ढेर समय मिलल, तो कैसे आप अपन समय के इस्तेमाल कर ला जब आप लॉकडाउन में रहला? तो हम अपन इस्तेमाल करेला थे सर इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट बहुत इंफॉर्मेशन देवेला, वो पिंटरेस्ट के चित्र के द्वारा उसवा बन संते गीत के जरिए, वे बन संते बन मोटिवेशन बन पारोल बिया क्रेओल। तो अब कैसे आप अपन समय के इस्तेमाल कर ला अपन कोविड में, काहे कि ढेर समय रहल तो का उ समय आप इस्तेमाल करके अपन चित्रकारी कर ला?
उस समय हम अपन चित्रकारी नहीं करनी अपन रिसर्च करनी कि हमर मुचवाशो कहाँ जाता हम कौन सी करब आगे जाके हम कौन सी माचिया के संगे काम करब कौन सी के संगे आगे बढ़ब जीवन में हो संगे मतलब वो एगो सेल्फ लर्निंग रहल एगो सेल्फ लर्निंग एंड अ सेल्फ प्रोसेस अब जितना हमनी के जन दर्शकगण बाते उ लोग के खातिर कौन संदेश देबा संजीता तो हम है ये बोलब कि पेशेंस धीरज और मोटिवेशन के संगे काम करे के चाहिए जीवन में सब सिचुएशन पारे नहीं बा उमे उठाव चढ़ाव आवेला और एक कलाकार एक व्यक्ति है जो उकर पेंसे डिफरेंट बा उकर वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस एक डिफरेंट तरह के डायरेक्शन लेवेला तो हमने के सोच ही हमने के अलग करेला और हमने के जीवन ही एक अलग तरीके के गिद देवेला दूसर लोग के तो पैशन धीरज मोटिवेशन संगे आगे बढ़िया और नेवर गिव अप जैसे कि देखत हुआ जा कोयला के निकाल के चूल्हा में से अब हम अपन चित्र बनाओ तो दिखिया जा
एगो चित्र बनावत है एगो मादाम है जिनकी ओकर विजाज बहुत एक्सप्रेसिव बा ओ डिप्रेसिव बा तो ई जो इमेज है उमे दुगो ह्यूमन फिगर बा एगो ओवरलैप हुई हिया पे तो चौकोल एगो मीडियम है जो में ब्रिट काम करे के एगो दूसर फन आवेला वॉल्यूम दिखावे के अलग अलग के लाइट एंड शेड्स दिखावे के चाहेला कोयला से तो ये बहुत स्पॉन्टेनियस करे के चाहेला वॉल्यूम देवे के तो अब हमने अपन चित्र के मिडल पर आ गए नी जब बिल्कुल आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बते खासकर जब चूल्हा से कोयला निकाल करके एगो चित्रकला बनावे के इतना फासिल नहीं बाते बकेरा बहुत कुछ सीखने के मौका मिलल बाते हमनी के मेहमान संजीता दाऊ से बहुत बहुत धन्यवाद संजीता दाऊ इसने वे आप अपन हुनर लेकर के आप आगे बढ़िया और चित्रकला की दुनिया में आप अपन जो भीतर के जो हुनर बाते ओकर विकास करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम समाप्त हुआ था बकेरा आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते कोयला से और संचिता दाऊ के भीतर के जो हुनर से बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते बकेर आप भी है कार्यक्रम में सगबजा शामिल होइ हमने के पता है हुनरबाज प्रोग्राम भोजपुरी चैनल MBC मौका तब तक अभी की ओर से नमस्ते